गया था, लेकिन आज मैं समझ रहा हूँ कि ये आपका ये दूसरा दिन यहाँ पर और अभी तक किसी ने भी मिलने का समय नहीं दिया। ये जो संवेदन शून्यता है, ये हमारे समाज की, हमारे सरकारों की सबसे बड़ी त्रासद है। यानी BHU के स्टूडेंट्स वहाँ लाठी भी खा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, और वो वहाँ से उठ करके यहाँ केंद्र में आकर के जंतर मंतर रोड पर प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो उनकी आवाज़ को सुनने के लिए कोई भी प्रतिनिधि सरकार का यहाँ नहीं आता। मुझे बहुत ही शर्मिंदगी है इस बात के लिए कि वहाँ पर छात्राओं के साथ भी मारपीट हुई है, और अभी मैं कविता श्रीवास्तव जी के साथ बैठा था, वहाँ मैं देख रहा हूँ उन्होंने जो महिला आयोग को भेज रहे हैं पिटीशन, उसमें लिखा है कि वहाँ की एक प्रोफेसर सोशियोलॉजी की प्रतिभा गोंड, उनके साथ भी मारपीट होती है यूनिवर्सिटी के अंदर, और इस तरह की घटनाएं हो रही है और सरकार के नाक के नीचे हो रही है। बल्कि मुझे कहना कोई हिचक नहीं होगी कि उनकी शह पे हो रही है, उनकी शह पे हो रही है। और जिस तरीके से 22 चांसलर खुद ये कहता है कि अंदर RSS क्यों शाखा लगती है, तो कहता है जब सरकार ही शाखा वालों की है, RSS वालों की, तो ये तो पूरी यूनिवर्सिटी भी उन्हीं की है। तो इस तरह से एक आदमी राष्ट्रीय स्वयं संघ का, जैसे वो खुद ही शाखा संचालक हो, वो यूनिवर्सिटी क्यों चला रहा है, उसको जाके शाखा चलानी चाहिए। लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं होता कि ये सरकार जब से आई है, ये चुन चुन करके जो सचमुच के प्रतिभाशाली वाइस चांसलर थे उनको हटाना और अपने RSS के लोगों को बैठाना, ताकि उनकी संघीय विचारधारा से और पूरे शिक्षा के पूरे संस्थानों को और प्रदूषित किया जा सके बड़े सलीके से, उसके प्रयास में सरकार लगी हुई है। वहाँ रोहित वेमुला जी के साथ जो घटना घटी, मैं हैदराबाद गया और वहाँ पर भी मैंने देखा कि तुरंत वाइस चांसलर बदल दिए गए और बिल्कुल RSS के जो करीबी वाइस चांसलर थे उनको लगा दिया गया, और वहाँ पर भी पूरे जांच की प्रक्रिया को इसी तरह से ठंडा किया गया। मुझे तो ये और ज़्यादा आश्चर्य और तकलीफ होती है कि जिस RSS ने पूरे 1925 से लेकर 1927 तक देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया, कोई भी एक आदमी इनका जेल में नहीं गया, कोई फांसी के फंदे पर नहीं लटका, आज सरकार में क्या आ गए हैं, इतना गर्व और घमंड हो गया है कि रोज सुबह उठ करके सर्टिफिकेट बांटते हैं देशभक्ति का, और जो इनके हाँ में हाँ नहीं मिला था उसको देशद्रोही कहते हैं, एंटी नेशनल कहते हैं। और इनकी जरूरत यहाँ तक हुई कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी को भी इन्होंने एंटी नेशनल कह दिया। कितनी गंदी और गलत और घटिया बात है, उपराष्ट्रपति जो 10 वर्ष तक रहे उनको इस प्रकार से एंटी नेशनल कहना। अब्दुल कलाम के बारे में इनके बड़े नेता ने बयान दिया था कि वो मुसलमान होने के बावजूद भी अच्छे आदमी, यानी मुसलमान होना तो वो अच्छाई का हो ही नहीं सकता था, होने के बावजूद भी वो एक अच्छे आदमी।